फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसी छोटा मोटा बहस चला। पिछले बहस हुआ वो बोले कि मेरे को थोड़ी देर और रुक कर, मैं बोला मेरे को घर जाना है, मैं तीन दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। घर पे बहस हुआ तो खाना नहीं खाए फिर पी रहे हो? नहीं नहीं वैसा नहीं होता, पी तो रहे हैं, पीने गए थे तो वहाँ पीने के लिए आप खुद पहुंचे थे कि बुलाया था किसी ने? नहीं नहीं उन लोगों के साथ नहीं था मैं, तो उन लोगों के साथ बैठ के नहीं पिए थे सर। अलग पी रहे थे वो, अलग था और तुम अलग, हम लोग तीन लोग जो है अलग पी रहे, हम लोग अलग थे। तुम लोग पीने का सामान उठाए कहाँ से? सीसी से लिए थे। कहाँ पे? सिविक सेंटर से। सीसी तो सीसी से तुम उठाए, कितने कितने बोतल खरीदे तुम लोग, कौन सा खरीदे? सर सीजी मिल रहा था, विस्की मिल रहा था, मैं लिया कौन विस्की लिया सर। कितना विस्की लिया? तीन क्वार्टर। तीन क्वार्टर लिए, कुछ तीन क्वार्टर कुछ तो ही होगा, तीन क्वार्टर लिए। कितने दिनों से लगातार पिए थे आप? 9 बजे के आसपास। 9 बजे तो हॉस्टल में रहते हो, बाहर रहते हो, घर पे रहते हो, तो घर वाले मना नहीं करते कि आईटीआई की पढ़ाई करते हो रात में पीने नहीं करते हो? घर में क्या, घर में सीख रहे हो तो बता के निकले, घर में क्या बता के निकले? दोस्तों के पास जा रहा हूँ। दोस्तों के पास जा रहे हो खेलने के लिए? क्या खेलने? फ्री फायर खेलते हैं दोस्तों के साथ। फ्री फायर क्या होता है? वो गेम है सर। क्या गेम है वो? मोबाइल गेम है। जुआ खट्टा गेम है, वो टीम अप करके खेलते हैं। तो ऐसा ही गेम होगा समझ रहा हूँ। तो तुम फायर आर्म खेलते हो? गेम खेलते हो फ्री फायर सर? फ्री फायर खेलते हो तो आज में नहीं सर, तो महीने में एक बार, महीने में एक आज बार, एक बार करो। तो वही शुभ दिन कैसे निकाला तुमने कि आज ही पीना है? सर पैसे आए थे सर। पैसे कहाँ से आए थे? पीएफ का पैसा आया था सर, प्रोविडेंट फंड का पैसा आया था भैया। प्रोविडेंट फंड का पैसा बचा के रखना होता है, वो पेंशन टाइप का होता है, दारू को उड़ाने के लिए नहीं होता। अब तुम्हें पीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी कम से कम 10-12 साल। उसके पास कहाँ से आता है? मैं पहले प्लांट में जॉब कर रहा था। प्लांट में क्या का जॉब? इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज मशीन ऑपरेटर। ऊपर पैसा जमा हुआ होगा वो मिला होगा? कितना मिला तुम्हें? 26,000 मिला। 26,000 मिला पार्टी करते हैं। कुछ पैसे निकालिए, 500 रूपए उस खर्चा किया था उसने, फिर उसके बाद बाकी पैसे घर पे दिया था, घर पे दिए थे। इन दोस्तों को बुला लिए तो? हाँ, फिर बुलाए। कितने बजे गए पीने? 9:30 9:30 पीने गए। टीसी में खरीदे और कहाँ बैठे पीने के लिए? घर के पास। घर के पास? घर वालों को बिना बताए गए थे? घर के पास मतलब सर वहाँ पे जगह है, जगह है, बाकी लोग पीते हैं क्या? कोई नहीं रहता, आना जाना नहीं होता, आना जाना नहीं, सुनसान जगह देख के तो बैठ गए दोस्त के पास, नीचे बैठे पीने लगे। तो 9:30 बजे पीना शुरू किए, पीना खत्म कितने बजे किए? 10 बजे के आसपास। 10 बजे खत्म कर दिए, तो 10 बजे खत्म किए, फिर क्या किए? फिर उसके बाद मार्केट गए थे। मार्केट गए थे रात को, तो शॉपिंग याद आई? कहाँ गए शॉपिंग करने? मार्केट सेक्टर 9 में बोल मार्केट। वहाँ कितने सिगरेट लिए? 2 सिगरेट लिया सर। 2 सिगरेट लिया तो मिल बांट के एक एक के लिए, ठीक है 2 सिगरेट लिया। फिर क्या किया? उसने सर वहाँ से जा रहे थे, फिर ये मिला। ये तो 1:30 बजे हो गया घटा, तो घटा कितने बजे हुई? 10:30-11 बजे की बात। 10:30 बजे ही निपटा दिया तुमने। चलो 10:30 वहाँ से आ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो मिल गया। कहाँ मिल गया? मार्केट के पास ही मिला। मार्केट के पास मिला, जानते थे उसको? मतलब थोड़ा बहुत जान पहचान, पीने वाले दोस्तों नहीं वैसे नहीं। कैसे जानते थे? बहुत पहले ऐसा क्रिकेट वगैरह खेलते थे तब पहचान हुआ था, तो पहचान बोलता था उनको। उनके बाइक में थे? किसमें थे? बाइक में था। बाइक ठीक है, बाइक चला रहे थे, गुड, अच्छा काम कर रहे थे। तो पीटे हुए दोनों पीने के बाद तीन क्वार्टर का ब्लड अल्कोहल, गाड़ी से अलाउड है? गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस वाइसेंस है कि लाइसेंस भी नहीं है? लाइसेंस भी नहीं है, मतलब बताओ कितने होनहार देश के युवक हो, बिना लाइसेंस के दारू पी के पीछे दूसरे को बैठा के, हेलमेट तो लगाया ही नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, युवकों को जरूरत ही नहीं है, कॉलेज के पढ़ने वाले लोगों को, बिना हेलमेट के चले गए सिगरेट लेने के लिए, और सिगरेट लेके आए बाइक में थे, तो दूसरे निपटाया हुआ बाइक पे था, वो क्या था? वो किसी के साथ में थे, वो बाइक के पास बाइक पे थे। तुमने बाइक रुका कैसे? वो दिखे, हाँ रोके, कहाँ जा रहा है बाइक? और कहाँ जा रहा है? उनके साथ में कोई था, उनके साथ में कोई था, वो बोले कि भाई इसको नशा ज्यादा हो गया, इसको घर छोड़ देगा। किसको? उसको नशा हो गया है तो घर छोड़ दे, धर्म को नशा हो गया तो उसको घर छोड़ दे। क्यों छोड़ दिया? वो तो खुली बैठा हुआ था पीछे। नहीं तो वो परेशान कर रहा था, परेशान कर रहा था, मदद के रूप में आ गए। एक पिया हुआ व्यक्ति दूसरे पिए हुए व्यक्ति को मदद करेगा रात में, तो गुड समय है तो छोड़ने का। इस मैटर के ऊपर हुआ कि वो बोले कि मेरे को जाना, तू यही रुकेगा अभी, तू रुकेगा, तू रुकेगा, बोला कि मेरे को घर जाना है, घर जाना है। फिर क्या हुआ उसमें? बहस हुआ तो वो
गंदी गंदी गाली देना बहस हुआ सर, फिर हाथापाई हुआ, हाथापाई पहले बहस भी कर लिया तुमने, हाथापाई भी कर लिया गुड, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सामने से दो थप्पड़ मार दिए, थप्पड़ मार दिए तुमको, फिर तुमने क्या किया? तो मैं धक्का दिया सर, धक्का दिए उनको, धक्का दिया, फिर उसके बाद वो बोलते हैं तू मेरे को मारेगा, ऐसा रस्ता ये इतना बड़ा हो गया क्या? चाकू उठाया के लिए, चाकू तो उठा लिया समझ में आया, तो मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? चाकू लेके भाग जाते, बाइक थी तुम्हारे पास, चाबी थी तुम्हारे, तुम बाइक से सेक्टर 9 तक चले गए, बाइक किसी के पास आना चाहती है, पैदल दौड़ के चले जाते, तो घर के पास भी थे, पंथी चौक है तुम्हारा घर कितना किलोमीटर दूर है? सेक्टर 9 चौक में घर है, फोन लगा सकते थे 112 को, फोन लगा सकते, फोन लगाया तुमने किसी को? उसमें चाकू कितनी बार घुसाया अंदर ये बताओ जरा, डर के मारे कितनी बार घुसा? क्या नहीं, 8-9 बार घुसा, ठीक बोल रहे हो, पोस्टमार्टम में 8-9 बार है, डर था तो 8-9 बार घुसा है, और डर नहीं होता तो क्या करते? 50-100 बार घुसाते, ऐसा क्या बताओ? 8-9 बार तो कम है तुम्हारे हिसाब से, ऐसा ना बताओ? तुमने उसको चाकू 8-9 बार घुसेड़ दिया, और तुम्हारे दो क्या कर रहे थे? ये लोग बहुत दूर पे थे, वो देखते देखे लड़ाई हो रहा है, तो बस ये दोनों भी छुड़ाने आए भाई, बताओ आपने आपने क्या किया? देखते ही आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप दोनों वहाँ पे उनसे रुकने की कोशिश की, चाकू उठाए थे तो उन लोग आपसी में, आपने कहा कि हम टीवी मूवी देखते हैं, मूवी देखता हूँ, पहली बार लाइव शो चाकूबाजी का, उसका आनंद ले रहे थे आप, ऐसा ही है? आपने जनाब कितनी बार धोखा नहीं नहीं ये देखे बस, आपको रोकने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए थे वहाँ पे, समझ रहा हूँ, तभी आपने 9-10 हजार उसको घोप दिया। जनाब कितनी देर तक घोपते रहे ये? इन लोगों का झगड़ा हुआ और वहीं से झगड़ा होते हुए सीधा इन लोग एक दूसरे को मारते मारते पंथी चौक तक गए, वहाँ तक पहले बहस करते हुए, फिर लड़ते हुए, फिर चाकूबाजी करते हुए, चाकू जब ले लिया तो आपने रोका नहीं इसको? इन लोग बहुत ज्यादा ही, इन लोग क्या चाकू जिसके हाथ में था वो तो खा रहा था, क्या चाकू दिए जा रहा था, लिए जा रहा था, तो सर इन लोग सुनने में थे, इन लोग रोक रहे थे, इन लोग रुक रहे हैं, इतना एक ही क्वार्टर पिया, एक क्वार्टर पे ताऊ भी आते हैं क्या ये लोग? फिर डेली नहीं पीते उसे नफा ज्यादा चढ़ता है, वो अगर डेली पीते तो फिर घटना ही नहीं होती, तुम्हें दुख इस बात का है तुम डेली नहीं पीते, डेली पीते तो नफा असर नहीं आता, तुम ये कहना चाह रहे तुम्हें कोई लग रहा है कुछ गलती हुई है? बहुत बड़ी कि तुम 9 बार घोप दिया तुमने उस आदमी को, एक बार घोप के भी छोड़ देते तो खरा तुम्हें खोले बचा लेते, हॉस्पिटल पहुंचे आदमी तो कोई लायक ही नहीं छोड़ा उसको, इतना तो आदमी मटन को काटने में आदमी को थोड़ा दर्द होता है, तुम ITI के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम्हें लगा ही चाकू दिए जा रहा हूँ, कल को जेल चला जाऊंगा, मैं डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी मुझे, तो बताओ तो चाकू मारते उसके बाद क्या किया तुम लोग? मैं इनको बोला कि जाके थाने में चले जाओ, समझाया तुमने, समझाए ये नहीं समझा, ये बोलते सुबह जाओ, सुबह जाऊंगा, तुमने पुलिस के